अरे क्या कर रहा है, ठीक से गाड़ी चला। विश्वासी को और बच्चों की तकलीफ हो जाती तो। बाबूजी हम ठीक हैं। माफ करना बाबूजी, वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया। वैसे बाबूजी हम जानते हैं, कहीं ना कहीं आप भी स्वाति पर विश्वास करते हैं, इसीलिए चाहते हैं कि सच जल्द से जल्द सामने आ जाए। अब किसको क्या बताएं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। हम बस इतना चाहते हैं कि टेस्ट में बच्चा तेरा निकले। इंद्रेश, तुमको पता नहीं कितने सालों से ही अपने पोते को देखने के लिए तरस रहे हैं। बड़की बहू की शादी को पूरे 5 साल हो गए, पर अभी तक उसकी गोद सुनी है। ये दोनों अभी तक अपने खानदान को बारिश नहीं दे पाए। लेकिन अगर डीएनए टेस्ट में ये साबित हो गया कि तुम्हारे पेट में किसी और का बच्चा है, तो हम अपने हाथ से गला दबा दूंगी तुम्हारा, और कोई नहीं बचाएगा तुमको। हम जानते हैं बाबूजी कि दादा बनने का सपना आप कब से देख रहे हैं, और इसकी आपकी जिंदगी में क्या कीमत है। बाबूजी ने स्वाति के साथ भले ही कितना ही बुरा व्यवहार किया हो, पर जब से पता चला है कि वो मां बनने वाली है, उनकी फिक्र करने लगे हैं। और मां आशीर्वाद दो कि जल्द से जल्द सच सबके सामने आए। हमारे बच्चे की रक्षा करना मां। ये डीएनए रिपोर्ट से हमारा मन घबरा क्यों रहा है? कहीं हमारा अंदाज गलत निकला तो? इस स्वाति का विश्वास देखकर तो अब हमें भी डर लग रहा है। बाबूजी, चाचा, छुटकर भैया, जल्दी आ जाओ नीचे। आज जो हम बात बताएंगे ना, उससे स्वाति की जिंदगी की सारी परेशानी ठीक हो जाएंगी। लवली भाभी, कहाँ बताने वाली थी आप? ये औरत भी अजीब है, कहना कुछ चाह रही थी पर कह कुछ और दिया, जैसे किसी ने रोक दिया हो उसे। कहीं ऐसा तो नहीं लवली को कुछ ऐसा पता है जो किसी और को नहीं पता? जाकर खबर लेते हैं इसकी। और लवली, खैरियत से तो हो? तुमसे मतलब? अरे हम तो बस ऐसे ही पूछने आए थे, हमें लगा तुम कुछ बोलना चाहती थी, पर कहते कहते रुक गई अचानक। वैसे हुआ क्या था? हमको क्या हुआ, एकदम ठीक तो है? हाँ, एकदम ठीक हो, पर हमें ऐसा लगा जैसे तुम स्वाति के बच्चे के बारे में या फिर उसके चरित्र के बारे में कुछ कहना चाहती थी। ऐसा है ना छम्मक छल्लो, अपने काम से काम रखो, समझी? और वैसे भी हमको फालतू लोगों से बात करने की ना कौन आदत नहीं है। हम तो बस तुम से... ऐसा है ना, माना कि हम स्वाति को नहीं पसंद करते थे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसके चरित्र पर और बच्चे पर सवाल उठाओगी। हमको पूरा विश्वास है कि बच्चा हमारे ही खानदान का है, समझी? और वैसे भी तुम क्या जानो स्वाति को, वो तुम्हारी तरह लफड़ेबाज नहीं है ना। जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल रही हो लवली, और जरूरत से ज्यादा तरफदारी भी कर रही हो स्वाति की। ऐसा है ना, बोलेंगे, काहे की बात सही है और स्वाति भी सही, समझ गई? एक बात हम तुमको और बता दे लैला रानी, कि स्वाति ना संतोषी माँ की पूजा करती है, और उनके होते हुए स्वाति को किसी और की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? और रही बात स्वाति के चरित्र की, तो जो औरत वट सावित्री का व्रत करके अपने पति को मौत के मुंह से छीन के ला सकती है ना, उसका तेज संत महात्मा की तरह होता है, समझ गई? अगर कोई पराया मर्द उसको छूने की कोशिश भी करेगा ना, तो जल के भस्म हो जाएगा। बढ़िया आई, हमसे ज्यादा बात ना किया करो तुम, चुड़ैल गई। बिल्कुल गिरगिट है, पल में कुछ और।
अगले पर कुछ और। देवी कॉलोनी, ये है स्वाति के सत्य और पवित्रता की शक्ति। जो स्त्री सदैव उसके लिए बाधाएं उत्पन्न करती थी, वही आज उसके सत्य और पवित्रता का बखान कर रही है। वाह, आपके अथक प्रयासों के पश्चात भी इसका विश्वास स्वाति की पवित्रता पर अडिग है। आज लवली ने सत्य का साथ देकर अपने कई पापों का प्रायश्चित कर लिया है, तो दे दीजिए ना इसे भी वरदान, जिसे संतान का सुख अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। वैसे भी सब आपकी प्रार्थना करते फिरते हैं, तो आशीर्वाद देना तो आपका दायित्व है। जब उचित समय आएगा तो लवली को भी संतान का सुख प्राप्त होगा, किंतु इस समय आपको ये ज्ञात कराना आवश्यक है कि स्वाति की सच्चाई से मात्र लवली ही नहीं अपितु सिंहासन सिंह और उसका संपूर्ण परिवार परिवर्तित हो रहा है। तो आपको लगता है कि हम ये परिवर्तन होने देंगे? जिसका आरंभ हो चुका हो उसे रोकने का अब आप मात्र प्रयास कर सकती हैं। उचित तो यही होगा कि आप प्रयास ना ही करें, क्योंकि स्वाति का परिवार एक साथ खड़ा है और एक दूसरे का साथ दे रहा है। ठीक है देवी संतोषी, आप कहती हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, परंतु स्वाति के परिवार पे अपना प्रभाव डालने के पश्चात। आपकी चुनौती हमें सदैव स्वीकार होती है देवी पौलमी। ये आगे क्या होगा? डीएनए रिपोर्ट कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। ये डीएनए रिपोर्ट क्या गड़बड़ कर देगी? और जो सच है वही रिपोर्ट में आएगा ना? जो सच है वही तो आएगा बच्चा। अब हमको मोहरा बना के ना कोई चाल चलने की कोशिश मत करना। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम आपको क्यों मोहरा बनाने लगे वकील साहब? बच्चा तो आप ही का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर इंद्रेश स्वाति पर यकीन कैसे करे? उन्हें भी तो स्वाति की पवित्रता साबित करनी होगी, इसलिए वो कुछ भी कर सकते। कुछ नहीं कर सकता कोई। हमारे बच्चे के साथ अगर किसी ने कोई भी खिलवाड़ किया ना लैला, जिंदा दफन कर देंगे सबको। हाँ प्रदीप, सब तेरी गलती है लैला। तूने ही देवेश के दिमाग में डाला कि स्वाति के पेट में उसका बच्चा है। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चा देवेश का नहीं इंद्रेश का हो। अगर ये सच हुआ तो डीएनए रिपोर्ट में ये साबित हो जाएगा। उसके बाद देवेश का जो होगा सो होगा, लेकिन लैला तेरा इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। और सिंहासन सिंह वो तो तुझे जिंदा दफना देगा। दुष्ट स्वभाव से कुचक्र बार बार करती है, संतोषी माता की दुश्मन बन के। देवी संतोषी ने सत्य कहा, स्वाति की पवित्रता पे सबको विश्वास है। एक और सिंहासन सिंह है जिसे लगता है स्वाति बिल्कुल सही है, और दूसरी ओर लवली उसे भी यही लगता है कि स्वाति कुछ अनुचित कर ही नहीं सकती। नारायण नारायण, यही माता संतोषी की सकारात्मकता का प्रभाव है। उन्हीं के भांति उन्हीं के भक्त भी पारदर्शी होते हैं, जिन पर कोई शंका नहीं करता। वैसे देवी पौलमी, आपने लवली पर भी अपना प्रभाव डालने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु वो भी पुत्री स्वाति को सही समझती है। नारायण नारायण। किंतु हमने उसके मस्तिष्क से इस घटना को तो मिटा दिया ना, अब वो स्वाति की पवित्रता को सिद्ध नहीं कर पाएगी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, किंतु हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि पुत्री स्वाति का पूर्ण परिवार भी उसे पवित्र समझता है, सही मानता। आप बिल्कुल सही मान रहे हैं, किंतु शीघ्र ही उसके घर वाले उसे घर से बाहर भगा देंगे और उससे घृणा करेंगे। नारायण नारायण। देवी पौलमी, ये मात्र आपकी कल्पना है, हम इसे आपका अति आत्मविश्वास भी कह सकते हैं।
देवेश जी ये लीजिए लस्सी पीजिए, बहुत धूप है आपको धूप लग जाएगी, पी लीजिए। देवऋषि नारद, जितना विश्वास देवी संतोषी के अपने भक्तों पर है उससे कहीं अधिक हमें हमारे भक्तों पर है। वह स्वाति की प्रसन्नता अवश्य समाप्त करेंगे। नारायण नारायण। अरे देवेश जी आप टेंशन मत लीजिए, बैठिए सब ठीक हो जाएगा। आइए आप ना टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हाय अल्लाह, ये लोग तो आ भी गए अस्पताल से जांच करवा कर, खुदा जाने आगे क्या होगा। अरे अम्मा अम्मा, बाबूजी और छुटकर भैया आ गए हॉस्पिटल से। क्या हुआ बड़का भैया, सब ठीक है ना? ये जी जब जांच हो गई ना अच्छे से, क्या पता चला? अरे कोई कुछ बताएगा, क्या पता चला डिनर जांच में? माँ जी रिपोर्ट्स 15 दिन बाद आएंगी। 15 दिन बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? तो क्या करें बताओ, घर में अस्पताल खोल दें, तुम डॉक्टर हो जाओ। जब उसने कहा कि 15 दिन लगेंगे तो 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा। हे बोरिया, हे बोरिया, बच्चा तो ठीक है ना? अब कुछ चिंता की बात तो नहीं ना? सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। छुटकाए भैया, हम जानते हैं कि डीएनए रिपोर्ट आपके ही फीवर में आएगी। कैसा है, जब इतनी बड़ी भविष्यवक्ता हो तो डीएनए रिपोर्ट भी बता दो, सारा परपंच खत्म हो जाए। एक से एक लोग होशियार बैठे। एक बार वो जांच की रपट अच्छे से आ जाएगी ना तो फिर सब सही हो जाएगा, है? सारे रिश्ते नाते सब का ठीक हो जाएगा। भौजी बाहर आंगन में देवेश धरना दिए बैठा है और इनकी अलग मुंह फुलाई बैठी है। हाँ तो बैठे रहने दो, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी सब ऐसे ही चलेगा। चलो ये सही हुआ, 15 दिन का वक्त मिल गया हमें। अब इतने वक्त में तो हम ये सोच ही लेंगे कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के जरिए देवेश को स्वाति के बच्चे का बाप कैसे बनाया जाए। रिंकी जी ये अंदर होकर आया है, मतलब हम यहाँ धूप में ऐसे बैठे हैं और आप भी हमको छोड़कर चली गई। अरे देवेश जी उका है ना, लवली भाभी ने हमको बुला लिया था, उन्हें स्वाति की रिपोर्ट जब तक नहीं आ जाती तब तक ये नाटक ऐसे ही चलता रहेगा। रिपोर्ट को छोड़िए ना, हाँ? हमको बहुत तेज भूख लगा है, कुछ कुछ खाने के लिए लेकर आइए ना, सुबह से ऐसे ही बैठे हैं। अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो रहा है कि हमको ध्यान ही नहीं रहा, आप यही बैठिए हम आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। हाँ रिंकी अंदर जाएगी तभी तो पता चलेगा कि अंदर हो क्या रहा है। लवली खाना रखा। जी अम्मा। सुनिए जी 3 बज गए हैं, खाना खा लीजिए। नहीं भूख नहीं हमको। थोड़ा सा खा लीजिए, कहे कि आपने सुबह से अन्न का एक दाना भी अपने मुंह में नहीं लिया है, और फिर आप अगर खा लेंगे ना तो बाकी सब भी थोड़ा सा खा लेंगे, इसलिए थोड़ा सा। जी ज्यादा परेशान मत हो, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ने में ना समय नहीं लगता,
भैया को जब खाना होगा तो खा लेंगे। हम जानते हैं कि इनकी भूख प्यास काहे चली गई। जब तक सब कुछ सच सामने नहीं आ जाएगा ना, इनकी हालत ऐसे ही रहेगी। बाबूजी, भैया को आपसे ज्यादा जानते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है तो ऐसे चैन से नहीं रह पाते हैं जैसे अभी थे। अब रेंद्रेश, इनको तो हम मना लेंगे, बाकी ना पहले तुम दोनों जाकर खाना खाओ, चलो। माँ जी, अगर आप लोग बाद में खाएंगे तो हम भी बाद में ही खाएंगे। नहीं, तुम बाद में नहीं खाओ, अभी खाओ। कहा है कि तुम्हें अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है, तो चलो। ए बौरिया, इंद्रेश ना एकदम सही कह रहा है, ऐसी हालत में तुमको अच्छे से खाना जरूरी है। लाओ हम तुमको खिलाते हैं, आराम से बैठो। हे अम्मा, दिन भर इन दोनों के पीछे घूमती रहोगी या एकाध बार अपनी बेटी को भी पूछ लोगी? एक काम करो, इन दोनों का खाना लगाने से पहले हमारे और देवेश जी का खाना लगा दो। ये रिंकी दीदी, इको ले जाइए। वैसे भी आज तो माँ जी ने आपकी मनपसंद की सब्जी बनाई है, लीजिए लीजिए ना। हेलो रिंकी। बदतमीजी है, अपने संस्कार भूल गई हो का? हमको कुछ बोलने से पहले ना भैया अपनी इस बीवी को संभालो। कैसे जब से ये घर में आई है ना, आप जोरू के गुलाम बन गए हो। और ये अम्मा भाभी सब के सब इसके आगे पीछे मंडराते रहते हैं, जैसे हमारी तो किसी को पड़ी ही नहीं है। और अम्मा, अगर तुम्हें हमें खाना देना है तो दो, वरना हम बाहर से मंगा के खा लेंगे। और याद रखना, इसके हाथ का छुआ हुआ हम कुछ नहीं खाएंगे। अरे इसके हाथ का छुआ तो पानी भी ना पिए हम। पूरा की बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, ये बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अरे यो देवेश की जबान बोल रही है, इसके दिमाग में इतना जहर उसी ने भरा है, इसलिए अपनी भाभी के खिलाफ ऐसा बोल रही है। रे लवले, लगा के दे इसको थाली। ये लीजिए रिंकी दीदी, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सब कुछ संभालने की कोशिश कीजिए। ये सकती रिंकिया की बात को दिल से मत लगा, दिमाग खराब हुई गवाही का। माँ जी, रिंकी दीदी हमारी बातों को गलत समझती, हमारा विश्वास का ही नहीं करती हूँ। काहे कि सच देखने के लिए सही नजरिया होना जरूरी नहीं है उसके पास, और हमको सब कुछ तब तक सहना पड़ेगा जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। हे माँ संतोषी, हमारे जीवन में सब ठीक कर दीजिए माँ।